हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए सर्दियों की खास चावल के आटे के लड्डू। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम, और बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पे लिया हमने एक कटोरी वाइट तिल। अब इसको रोस्ट कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, 6-7 सेकेंड में ये रोस्ट हो जाएगा। बिल्कुल भी लगने नहीं रहा नीचे, और कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा तिल। इस तरह से तिल को निकालने के बाद हमने इसमें डाला 1 चम्मच देसी घी, आधा कटोरी हमने डाला इसमें मूंगफली के दाने, और आधा कटोरी काजू और बादाम। अब इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं, अपने काजू का कलर चेंज हो जाएगा। अच्छे से भुन जाएगा तो निकालने के बाद, मीडियम फ्लेम पर ही भुना हमने इसको भी इस तरह से। और इसको भूनने के बाद ठंडा होने पर हमने इसको दरदरा पीस लिया था, क्योंकि ऐसे तो ये लड्डू नहीं बन पाते अगर हम साबित रखते इसको। तो ये देखिए अच्छी तरह से भुन चुका है, और कंटिन्यू चलाते रहना है क्योंकि ये जलने का डर रहता है इसमें। ये देखिए आवन निकालने के बाद इसमें डाला 2 कटोरी चावल का आटा देसी घी में, और देसी घी थोड़ा और डालना पड़ेगा, ये खुशक होता है और ऐसे नहीं भुनता है। तो इस तरह से हमने कंटिन्यू चलाते हुए इसे चावल के आटे को अच्छी तरह से भून लिया, और इसमें पहचाने इसमें खुशबू आने लगती है, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा चावल के आटे का। और इसमें थोड़ा टाइम लगता है भूनने में फ्रेंड्स। तो इस तरह से चावल के आटे को भूनने के बाद हमें डाला 200 ग्राम गुड़ और आधा कटोरी पानी। अब उसको अच्छी तरह से मेल्ट करना है, और जब तक हमारा चाशनी जो है थोड़ी चिपचिपी हो जाएगी, तो समझिए हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह से फिर हम इसमें सब डाल देंगे, चावल का आटा, मूंगफली और काजू बादाम का जो हमने पीस के रखा था वो, और तिल, इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे। हल्के गुनगुने में ही हमें इसके लड्डू बनाने हैं, नहीं तो ठंडा होने के बाद इसके लड्डू बनेंगे नहीं और ये फैल जाएगा इस तरह से। तो बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी लड्डू बनते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो आप लोग, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत टेस्टी हैं और बहुत हेल्दी भी है, बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है ये। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें एक बार, बना के देखिए कैसे लगे, और आप लोग बताइएगा कि आपको लोग को जी हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह सब कुछ ज़्यादा ठंडा करा मैंने, फिर लड्डू बनाए इसके, और लड्डू बनाने के लिए कुछ भी हाथ में नहीं लगाना पड़ा, ऐसे ही लड्डू बन गए थे। बिल्कुल भी हाथ में तेल या घी कुछ भी नहीं लगाना पड़ा हाथ में, और इस तरह से खूब अच्छे से लड्डू बनके तैयार हो चुके थे हमारे। ये देखिए इस तरह सारे लड्डू हमने तैयार कर दिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।